कार्यक्रम दिखाइए जम्मू किसान भाई मन ला जय जोहार। आज हमन आए हैं खीरा के खेत में। खीरा के वैज्ञानिक और आधुनिक खेती कैसे करे जाते आओ जानकारी लेते। खीरा शीतोष्ण और उपशीतोष्ण क्षेत्रों में लगाए जाने वाली एक अल्पकालीन फसल होती है जिसका अपना जीवन चक्र 60 से 80 दिनों में पूरा होता है। खीरा किसी भी हाल में पाला सहन नहीं कर पाती और जब ठंड कुछ विशेष होता है तो देखा ये गया है कि खीरा का विकास प्रभावित होता है। हमारे छत्तीसगढ़ के कई किसान भाइयों ने खीरे की वैज्ञानिक खेती करके अन्य राज्यों के किसानों के समक्ष एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। ग्रीन शेड का इस्तेमाल करके खीरे का भरपूर उत्पादन हमारे राज्य के अन्य किसानों के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा की बात है। खीरा के लिए उपयुक्त भूमि की बात करें तो भूमि की तैयारी के लिए खीरा को सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, फिर भी दोमट और रेतीली दोमट विशेष उपयुक्त मानी जाती है। अधिक अम्लीय और क्षारीय भूमि में खीरा ठीक ढंग से पनप नहीं पाता। खीरा की खेती के लिए खेत में पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा देकर मिट्टी को भुरभुरा और समतल कर लेना चाहिए। मादा निर्माण कर यदि खीरे की खेती की जाती है तो उसका परिणाम और भी लाभप्रद होता है किसान भाइयों, साथ ही उत्पादन खर्च और पानी की मात्रा में भी किफायत होती है। ग्रीन हाउस के अंदर में खीरा खेती अच्छे और उन्नत तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें खेत की जुताई अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए। ग्रीन हाउस के अंदर में ट्रैक्टर अपन डाल करके जुताई अच्छे तरीके से कर लें, उसके बाद में यदि हम देखें कि उसमें ढीले अपने को बड़े दिख रहे हैं थोड़ा सा रोटावेटर के माध्यम से बारीक गुड़ाई कर लें। उसके बाद में जब हम इसमें रेजर के माध्यम से या 5-5 फीट में जो अंतर में हम इसमें मेड़ बनाते हैं वो मेड़ इतनी अच्छी बननी चाहिए कि हमारी के ज़मीन से कम 1 फीट ऊपर रहनी चाहिए हमारी मेड़। उससे क्या होगा कि हम जो पौधा लगाएंगे उसका जड़ का विकास अच्छा होगा और इसमें जो गोबर खाद है वो गोबर खाद अच्छा पचा हुआ लेना चाहिए। इसके बाद में जब हम इसमें ड्रिप पाइपलाइन जो डालते हैं डबल ड्रिप लाइन डालना पड़ता है इसमें, क्योंकि इसमें एक बेड में हम 2 लाइन लेते हैं खीरा की। और उसके बाद में जब हम इसमें पौधे को पहले नर्सरी में तैयार कर लें उससे ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि नर्सरी जब हम पौधे में तैयार नर्सरी को हम तैयार कर लें पहले पौधा, उससे क्या होगा कि हमारे जो खाले नहीं गिरेंगे और खाले नहीं गिरने के कारण जो पौधे जो एक समान हाइट के दिखेंगे इसमें, इसलिए हमें नर्सरी तैयार करना चाहिए खीरा का। और चूँकि इसका बीज महंगा है, 8 से 9 रुपये का एक बीज आता है इसका, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है इस खीरे को। और इसके बाद में जब इसकी रोपाई हो जाए तो हमें ये देखना है कि उसके अंदर में गलन तो नहीं आ रहा है, यदि गलन आ रहा है तो सेक्टिन है, इस प्रकार की दवाइयाँ हम उसको ड्रेंचिंग कर सकते हैं। उसके बाद में साथ ही साथ हमें ये देखना रहता है कि चूँकि ग्रीन पॉली हाउस के अंदर में है तो इसके अंदर में वाइट फ्लाई और थ्रिप्स कम आते हैं, उसके बाद भी यदि मान लो आ गए हैं तो समय समय पर उसको देख रेख करते हुए मतलब देखते हुए साथ साथ में दवाई का उपयोग समय समय पर करते रहना चाहिए। खीरा के खेती में खाद प्रबंधन के भी बड़ा महत्व रखे। जितका बढ़िया संतुलित खाद प्रबंधन करबो उतका बढ़िया उत्पादन में वृद्धि हुई आओ जानकारी लेकर। खीरे की फसल में खाद और उर्वरकों की मात्रा, जलवायु, मिट्टी और किस्मों का विशेष योगदान होता है। कृषि के जानकारों के अनुसार खीरा के अच्छे उत्पादन के लिए उर्वरक प्रबंधन इस तरह से किया जाना चाहिए कि हम प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट या गोबर की खाद 370 से 490 क्विंटल, नाइट्रोजन 40 से 50 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास 100 किलोग्राम की व्यवस्था कर पाएं। खेत तैयार करते समय कंपोस्ट या गोबर की खाद भली भांति मिला देनी चाहिए। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और आधे नाइट्रोजन को खेत की तैयारी के समय ही भूमि में डाल देनी चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा फलन शुरू होने पर ऊपरी वेशन या टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालकर खुरपी की सहायता से
भूमि में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। अनुभवी और जानकार लोगों का कहना तो ये होता है कि अधिक वर्षा, आर्द्रता और बादल के रहने से खीरे में कीट और रोगों का प्रकोप कुछ ज्यादा होता है। नरम नरम खीरे कुछ नाजुक मिजाज के भी होते हैं। प्रकाश और तापमान के ज्यादा घटाव और बढ़ाव को भी प्रभावित करते हैं। प्रकाश और तापमान की अधिकता और लंबे प्रकाश काल में नर फूल अधिक आते हैं और मादा फूलों की संख्या काफी कम हो जाती है, जिसका उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, खीरा में वर्षाकालीन फसल में फलन अधिक होती है। इसमें जो हमारा पौधा हम जैसे हम रोपाई करते हैं, ट्रांसप्लांट करने के बाद में क्या होता है कि हमारे पौधे को विकास देने के लिए इसमें 19-19 के रेशों में हम इसमें खाद डालते हैं, वो भी ड्रिप के माध्यम से डालते हैं और टपक पद्धति के अनुसार उसमें पानी जितना जाता है उसमें 5 मिनट पहले सादा पानी चलाते हैं, फिर खाद डालते हैं, उसके बाद फिर सादा पानी 10 से 15 मिनट दे देते हैं। उससे क्या होता है कि पूरा सरफेस गीला हो जाता है और अच्छे तरीके से खाद फैल जाता है। ऊपर ऊपर में खाद फैलने के कारण जड़ को पूरा खाद हमें मिलता है आसानी से। और साथ में जब हम इसमें बढ़वार देखते हैं हमारे पौधे में और फल लगना चालू हो जाता है तो उसका रेशो चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम 16:8:24 का रेशो में इसमें खाद डालते हैं। खीरे को फरवरी से मई के महीने में भी लगाया जा सकता है और खरीफ या बरसाती सब्जियों के तौर पर भी खीरा उगाया जा सकता है। इस मौसम के खीरे के लिए जून से सितंबर का महीना अनुकूल माना जाता है। किसान भाइयों, भूमि एवं तापमान के आधार पर कहा जा सकता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में खीरे की अनंत संभावनाएं हैं। पौधरोपण करके भी खीरे की अच्छी खेती की जा सकती है। खीरा एक बेलदार पौधा होता है, इसे सहारे की आवश्यकता पड़ती है। प्रक्षेत्र की तैयारी के समय ही यदि इन लताओं के लिए सहारा तैयार कर लिया जाए तो बेहतर होता है। इसके लिए पंडाल नुमा रचना तैयार की जा सकती है। इस तरह से फसल का भूमि से संपर्क कम हो जाता है और किसान भाइयों को भी इसके निरीक्षण में आसानी हो जाती है। ग्रीन शेड में खीरा उत्पादन के लिए लताओं को सहारा देने के लिए धागे का बुद्धिमता प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। प्यारे किसान भाइयों, इसके अंदर में अपन जो देखते हैं कि यहाँ पे अपन बांस तार और प्लास्टिक रस्सी, जो नायलॉन रस्सी आती है, उसका उपयोग करते हैं। उससे क्या होता है कि ये पूरा लोड ले सकती है नायलॉन रस्सी जो है। और उसके बाद में हम जैसे बोलते हैं कि ये 30 से 40 फीट हाइट तक जाती है ये खीरा, इसको हम कैसे मैनेज करें? मैनेज करने के लिए यह है कि इसको कम से कम 6 से 6.5 फीट हाइट तक ही रखना है अपने को। जैसे जैसे पौधा हमारा फल लगते जाए, ऊपर बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे इसमें हमने रस्सी को ज़्यादा लंबा रखा है। इसको हम जैसे जैसे नीचे करते जाएंगे, इस प्रकार से नीचे होते जाता है पौधा हमारा। आसानी से इसको हम नीचे कर सकते हैं और नीचे करके इसको सुतली को हम वापस बांध देंगे तो हमारा फल तोड़ने में भी सुविधा रहेगी और ये पौधा हमारा सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार से हम इसको हाइट नीचे करते जाएंगे, इसलिए बोला गया। और नीचे में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सांप जैसे गुंठी मार के बैठता है, वैसे इसका जड़ नार को हम फैला सकते हैं ऊपर में बेड में। इस प्रकार से नार भी उसकी और नीचे के जो पत्ते हैं इसके, विशेष तौर पर ये ध्यान देना है कि हमें नीचे के जो पत्ते हैं उसकी तोड़ाई समय समय पर करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा जो नीचे के बीमारी वाले पत्ते हैं वो भी निकल जाएंगे और उस नार को हमें पूरा एक राउंड मारने के लिए जगह मिल जाएगी ज़्यादा, और वो पत्ते को हमें बाहर फेंक देना चाहिए। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं, दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें।
अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करूँ ना दानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान, किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशु पालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, खीरा के खेती में जल प्रबंधन के भी बड़ा महत्व रहते। सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करना चाहिए, जानकारी लेते हैं। खीरा की गर्मियों में 2-3 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। लता की वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था में निदाई गुड़ाई किया जाना चाहिए। पौधे को वो अच्छा विकास दिलाता है और इससे फलन भी अच्छा होता है। लता की पूर्ण वृद्धि हो जाने पर खरपतवारों को हाथ से उखाड़ देना चाहिए। और भी अच्छा हो कि खीरे को सिंचाई टपक पद्धति से दिया जाना चाहिए। प्रक्षेत्र में बरसात के दिनों में लगाए जाने वाले खीरे को आमतौर पर ऊंचे थाले में लगाया जाता है और प्रत्येक थाले में 3-4 बीज बोए जाते हैं। बाद में 1 या 2 पौधे को ही रहने देते हैं। खीरे की कुछ भारतीय उन्नत किस्मों और प्रजातियों के बारे में किसान भाइयों को जानना चाहिए, जिनमें है बालम खीरा, पंजाब सेलेक्शन और पूना खीरा। खीरा के अंदर में जो जल प्रबंधन हमारा देखा जाए, हम लोग
तो आजकल टपक पद्धति आ गई है। टपक पद्धति से ये होता है कि हमें जितने भी मात्रा यदि पौधे को चाहिए, छोटा पौधा है तो हम 15 से 20 मिनट में हम उसको पानी दे करके, पर्याप्त पानी दे करके आसानी से उसको पौधे को उठा सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा पौधा वृद्धि करता है, उसको 19-19 के रेशों में हम उसमें खाद भी डाल सकते हैं ड्रिप के माध्यम से। यदि शुरुआत में हमें ऐसा लगे कि लाल चीटी का प्रॉब्लम है तो क्लोरोकॉन्फिडोर नाम की दवाई आती है, उसको शाम के समय में हम ड्रिप से भी डाल सकते हैं। और उसके बाद में यदि हमें ऐसा लगे कि हमारा पौधा अच्छा विकास कर रहा है और अच्छा गति पकड़ लिया है तो हमें उसमें 15 से 20 मिनट के यदि जगह में हमें आधा घंटा पानी देना पड़े, पौन घंटा पानी देना पड़े तो हमें आधा पौन घंटा देना चाहिए। उसके बाद जब हमारा माल तोड़ना चालू हो जाए उस टाइम पर हमें 1 घंटा कम से कम पानी देना चाहिए उसमें। किसान भाई हो, खीरा के खेती में कीड़ा मकोड़ा लगे के भी डर रही थी, एकर से बचे के लिए कौन सी दवाई के छिड़काव करना चाहिए, आओ जानकारी लेता। भभूतिया रोग, ये रोग खीरा में प्रमुखता से होता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियों में सफेद चूर्ण के समान पदार्थ दिखाई देते हैं। खीरा में लगने वाला दूसरा रोग है एंथ्रेक्नोज। इस रोग में पत्तियों पर कोणीय या गोल भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। ये रोग अधिक आर्द्रता वाले वातावरण में अधिक पनपते हैं। लाल कीड़ा भी खीरा को खासा नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इस कीट की इल्ली जमीन के अंदर, जड़ों के अंदर सुरंग बनाकर नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि इस कीट के प्रौढ़ पत्तियों को खाकर छलनी कर देते हैं। किसान भाइयों, फल मक्खी भी खीरा के उपज के लिए घातक होती है। खीरा पर मोजेक विषाणु का आक्रमण भी मुख्य रूप से होता है। इस रोग के प्रभाव से पत्तियों पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और अंत में पत्तियां पीली होकर सूख भी जाती हैं, जिसके कुप्रभाव से फलों पर हल्की करबूरन से लेकर मस्सेदार वृद्धि तक दिखाई पड़ती है। ये रोग मुख्यतः माहों या सफेद मक्खियों के द्वारा फैलते हैं। इन रोगों से निजात पाने के लिए कृषि विशेषज्ञों के अनुसार सुझाए गए रासायनिक उपचार के साथ ही साथ रोगग्रस्त पौधों को जला देना भी उचित कहा जाता है। हमारे राज्य के किसानों को अपने कार्य से इस बात की प्रेरणा किसान भाइयों को ही मिल रही है, साथ ही राज्य की आबोहवा और भूमि की अनुकूलता भी इसी बात की इजाजत देती है कि यहाँ खीरे की उत्पादन व्यावसायिक स्तर पर किया जा सकता है। खीरा भी हमारे किसान भाइयों के लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। Para
सुतिया भारी लाल, 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 भारी लाल सरानी पुलवा भारी लाल, भारी लाल सरानी पुलवा भारी लाल, भारी लाल सरानी पुलवा भारी लाल, भारी किनावा भारी लाल, 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 भारी लाल सरानी पुलवा 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 भारी लाल। करधन भारी लाल, 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 भारी लाल सरानी पुलवा 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 भारी लाल, 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 भारी लाल सरानी 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 पुलवा भारी लाल। तो देखियो किसान भाई हो, खीरा के वैज्ञानिक और आधुनिक खेती में कतका फायदा है। आप मन भी खीरा के वैज्ञानिक और आधुनिक खेती ला अपनाओ, अपन जिंदगी ला खुशहाल बनाओ। अब हमार जाए के बेरा हो गए, इजाजत दो, जय जोहार।